हाय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग फिर से एक राइट एन आर्टिकल ऑन डिग्निटी ऑफ लेबर यानी श्रम का महत्व। डिग्निटी ऑफ लेबर में होता है श्रम का महत्व। महात्मा गांधी एंड अदर्स आर अपोस्टल्स ऑफ लेबर। महात्मा गांधी और अपोस्टल्स ऑफ लेबर, महात्मा गांधी और दूसरे श्रम के दूत रहे हैं या श्रम को करने के लिए प्रेरित प्रेरक रहे हैं, है ना। गांधी जी इन आश्रम गांधी जी अपने आश्रम में क्लीन हिज टॉयलेट्स, अपने टॉयलेट्स को स्वयं साफ करते थे। ही हैड नो पियोन, उन्होंने कोई चपरासी या सफाई वाला नहीं रखा फॉर दिस वर्क, इस काम के लिए। वी शुड नेवर, हमें नहीं सोचना चाहिए, कभी नहीं सोचना चाहिए, थिंक में सोचना, दैट एनी मैनुअल वर्क इज ब्लोवर आवर डिग्निटी। वी शुड नेवर थिंक, इसका मतलब हमें कभी नहीं सोचना चाहिए यानी हमारे श्रम से नीचा होता है। After all, इस सब के बावजूद वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा है। If an officer, यदि एक अधिकारी, or any great man does his work himself, यदि एक अधिकारी या कोई महान व्यक्ति अपना काम खुद करता है, he can be a model for others, तो वह दूसरों के लिए प्रतिरूप होता है। सोसाइटी समाज विल रेस्पेक्ट सच अ पर्सन मोर, ऐसे व्यक्ति का और अधिक सम्मान करता है। कौन? समाज। ही विल बी एन एग्जाम्पल फॉर दोज, वह उन लोगों के लिए एक उदाहरण होगा। हु आर एरोगेंट, जो घमंडी हैं, एंड थिंक दैट, और सोचते हैं, दैट सच वर्क्स आर डन बाई सर्वेंट्स ओनली, ऐसे कार्य केवल नौकरों के द्वारा किए जाने चाहिए। मैनुअल वर्क ऑफ द फैमिली आर वेरी यूजफुल, यानी साफ सफाई के कार्य परिवार के लिए बहुत उपयोगी हैं। वी बिकम सेल्फ डिपेंडेंट, हम आत्म निर्भर बनेंगे, बनते हैं। अवर वर्क, हमारा कार्य इज फिनिश्ड इन राइट टाइम, हमारा कार्य सही समय पर समाप्त होता है। दिस मेक्स अवर बॉडी फिट, यह हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है। वी कैन ऑल्सो गेट सेटिस्फैक्शन, हमें आत्मसंतुष्टि भी मिलती है। आफ्टर वर्किंग, काम करने के बाद, इज फिनिश्ड, ऐसा कार्य समाप्त करने के बाद। सो इफ वी डू नॉट हेजिटेट इन बिकमिंग लेबर लेबरसम, यदि हम मजदूर बनने में कोई झिझक नहीं करते हैं। वी आर परफेक्ट मैन इन राइट सेंसेस, तो हम सही अर्थों में सही व्यक्ति हैं।